जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। अभी अभी जस्ट मैंने ब्लॉग अपलोड करा था आज, वो जो 2 लाख का सौदा खरीदा है मैंने उसको लेकर। वैसे तो मैं कल से शुरुआत करता ब्लॉग की मॉर्निंग से, मैं अभी कर रहा हूँ शाम के 8 बज रहे हैं, शाम के क्या ऑलमोस्ट रात हो रही है, 8 बज रहे हैं। पर कुछ कमेंट इतने इंटरेस्टिंग आ रहे हैं ना, उनका जवाब देने का दिल कर रहा था तो मैंने अभी शुरू कर दिया, क्योंकि शायद कल तक दिमाग से निकल जाती। सबसे पहले तो एक कमेंट अभी अभी भाई का आया, मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने कमेंट किया है, भाई अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो यार आपका कमेंट पढ़कर मजा ही आ गया। आपका कमेंट है कि भाई टेंशन मत लो, हम अदानी ग्रुप के इन्वेस्टर हैं तो हमें लॉस लेने की पूरी आदत है। तो भाई मतलब मजा आ गया, कमेंट कैपेसिटी पूरी है इस प्रकार से, मतलब आप वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं इस प्रकार। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बोला था मैं शेयर का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की लॉस लेने की कैपेसिटी कितनी है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता है। और वो एक्चुअली में ना आपकी कैपेसिटी, देखो शेयर बाजार में जो भी काम कर रहा है ना और पुराना इन्वेस्टर है उसकी कैपेसिटी है, उसे पता है भाई बाजार में नुकसान होता है और वो ट्रोल भी नहीं करता। बट मेरा बोलना है आप और बहुत सारे ऐसे होंगे जो कर सकते हैं, बट कुछ लोग इसका मिसयूज करेंगे, इसलिए मैं शेयर वगैरह का नाम नहीं दिखा रहा हूँ। और एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं जो हमारे दोनों चैनल्स पे हैं, वो है मुरारी जी, आई थिंक उनका नाम है। उन्होंने कमेंट किया कि भाई आप हमसे तो कहते हो कि टुकड़ों में खरीदना चाहिए और आपने एक संग 2 लाख का माल उठा लिया। तो उस पर एक इंटरेस्टिंग रिप्लाई आया कि भाई अंकुर भाई का 50 लाख का है हिसाब, तो वो 2 लाख का ले सकते हैं। भाई बिल्कुल हिसाब 50 लाख का नहीं है, 50 लाख का हिसाब होता तो फ़ोन तुरंत खरीद लेता मैं, बजट ढीला है बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली ये भाई कि इन्वेस्टमेंट में और बिल्कुल शॉर्ट टर्म में फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए मुरारी भाई मैं कहता हूँ कि टुकड़ों में खरीदो ताकि आप स्टॉक को एवरेज कर पाओ। अभी मैं हूँ, मेरे को पता है अगर मैं कोई स्टॉक लूँगा ना तो मैं उसे गिरावट में और एवरेज करूँगा। और मैंने ये जो 2 लाख का खरीदा है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसे लंबी अवधि के लिए सोच के गया हूँ, नहीं, मैं इसमें से एग्जिट मार दूंगा अगर मेरे को लॉस हो रहा होगा तो बुक करके निकल जाऊंगा। जो मेरा दूसरा डीमेट अकाउंट है उसमें मैं आराम से 20-25 हजार के ऐसे खरीदता जा रहा हूँ, ठीक है, वहां पे मैं टुकड़ों में खरीद रहा हूँ, गिरावट में ले रहा हूँ। ये मैंने लिया है सौदा एक बार में और यहाँ से थोड़ा पैसा निकलेगा मैं निकल जाऊंगा फिर किसी और में। ये मैंने केवल इसलिए लिया है ताकि मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ चीजें, और कुछ भी नहीं है मेरा ऐसा, ठीक है, ये रीजन है। तो हमें मार्केट में 3-4 चीजें समझना बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा थोड़ा ब्लॉग में मैं शेयर मार्केट की बात कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग शेयर मार्केट के हैं, बट मैं ब्लॉग के माध्यम से कोशिश करूँ कि भाई साहब ट्रेडिंग पूरी अलग है, इन्वेस्टमेंट पूरी अलग है। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो आप 5 साल प्लस सोचो, फिर आज के प्राइस से कुछ लेना देना, ट्रस्ट मी, मेरी इन्वेस्टमेंट वाली पोर्टफोलियो में अभी मैंने शुरू करा 1 महीने पहले शेयर खरीदना, करीब 17-19 शेयर है करीब करीब, मेरे को भाव तक नहीं पता कौन से स्टॉक का क्या चल रहा है, किसमें कितना प्रॉफिट है। टोटल ओवरऑल मैं एक बार नजर मार लेता हूँ कि आज कैसा रहा है कैसा नहीं रहा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा यार ये इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है तो थोड़ा आपके साथ शेयर किया जाए, और भाई साहब आपने तो व्यू बढ़िया गुंदा दिया इस ब्लॉग पे यार। शेयर बाजार की बातें चाहिए आपको। हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल है, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 जब ये ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, बालकनी में बैठा हूँ भाई, धूप आ रही है उस तरफ इसलिए वहाँ नहीं बैठा, चेयर डाल रखे यहाँ पे। और मौसम देखो आप, हवा इतनी प्यारी चल रही है, मज़ा आ रहा है आज बालकनी में ना, बिल्कुल मतलब कंटिन्यूसली होता है ना कूलर कूलर की हवा आती रहती है वैसे कंटिन्यू आती जा रही है। मैं दीवार पे बैठा हूँ वरना तो मैं वहाँ खड़ा होता हूँ ना तो बाल वाल सब उड़ते हुए दिखते, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, ऐसा लग रहा है मतलब बैठे रहो, बड़ी तंगड़ी हवा चल रही है। और कल जो है ना, आपको दिख रहा हूँ ना, मैं शीशे में इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं शीशा नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं उन्हें को दिखा, कल जो है भाई काफ़ी सारे कमेंट जो हैं भाई, जो हमने शेयर खरीदा उसको लेकर आए थे भाई कि कौन सा शेयर लिया है, नाम बताओ तो करके। तो भाई नाम जान के क्या करोगे यार, तुम भी खरीदोगे क्या, और नुकसान हो गया तो क्या करोगे ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि नुकसान हो गया तो क्या करोगे। और मुझे ही कमा लें तो थोड़ा सा क्या करोगे, शेयर वेयर खरीद के हैं, जैसे ही खरीद रखा है वो तो गिरता जा रहा है, छोड़ो यार बेकार है ये सब, मजे लो तो मेरे को देखते रहो बस, मेरा प्रॉफिट और लॉस ले देख कर ना इंजॉय करना, ऐसा समझ लेना तुम्हारा ही है। और अगर बड़ा मुनाफा हो गया ना भाई तो कुछ आप लोगों के लिए भी सरप्राइज करेंगे, अभी तो 2 लाख के रुपए से तो क्या ही बड़ा होगा, कर देंगे साल के अंत तक इसे 10 लाख, और 10 लाख पे अगर 10% भी बनेगा तो 1 लाख रुपये बना करेगा, 1 लाख पे पार्टी करा करेंगे दबा के सारे हम, ठीक है। और नुकसान हुआ करेगा तो फिर फोन पे वगैरह कर दिया करना, ठीक है, नुकसान होगा तो मैं स्कैनर दे दूंगा आपको अपना, उस पर फ़ोन पे कर देना अंकुर भाई, मेरी तरफ से आपको थोड़ी सी वेट, नुकसान हो गया ना, ठीक है,
मजाक कर रहा हूँ, कहीं सीरियसली ये लोग कह दो अंकुर भाई तुम तो पैसे मांग रहे हो। भाई हवा बड़ी मस्त चल रही है यार, बड़ा प्यारा मजा आ रहा है। सब देख रहा है तुम्हारा भाई, मार्केट तो चल नहीं रहा था, यही सब देख रहा है। और भाई एक बड़ी पॉजिटिव खुशखबरी भी देनी है तुम्हें, अभी देता हूँ जरा वीडियो अपलोड कर दूँ, है ना। लो जी पढ़ो, मैरियट टू सेट अप होटल इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट इन कोलेब्रेशन विद रियलिटी फर्म त्रिहान आयरिस। अपनी मनी कंट्रोल पे ये न्यूज़ फ्लैश हो रही है, आपके फ़ोन में ज़रूर होगा मनी कंट्रोल, पढ़ना। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है तुम्हें, क्योंकि ये जो त्रिहान आयरिस है ना, इसी में तो अपना ऑफिस है दोस्तों, इसमें होटल आ रहा है मैरियट, JW मैरियट जो है ना वो आ रहा है, ऑफिशियल हो चुका है। ये देखो ये मैरियट के साथ इन्होंने साइन किया है, यहाँ पढ़ सकते हो। दिल्ली NCR बेस्ड रियल इस्टेट डेवलपर त्रिहान आयरिस हैज़ अनाउंस इट्स कोलेब्रेशन विद कोर्ट यार्ड बाय मैरियट, bringing the Marriott brand to Noida region for the first time, the realty firm said. तो यही अपडेट है, इसमें अपना ऑफिस है ठीक है जी। द मैरियट होटल विल ऑफर 135 रूम्स एंड बैंकेट हॉल, बैंकेट फैसिलिटीज फॉर ओवर 2000 प्लस पीपल कैपेसिटी, 2000 से ज़्यादा लोगों के लिए होगा ये कैपेसिटी होगी 2000 की। आया मजा? तो जहाँ पे अपना ऑफिस है वहाँ पे 5-star होटल भी आ रहा है ठीक है, उसी में, मतलब वहाँ पे नहीं उसी में, वो पूरा एक मॉल है, मैंने आपको बताया था 3 मंजिल तक मॉल है, उसके बाद उसके ऊपर 3 मंजिल एक साइड में आपका ये JW मैरियट है, और एक साइड में 17 मंजिल तक ऑफिसेज हैं, 17 नहीं है 19 मंजिल तक हैं, 17वें पे हमारा है। तो यार चेहरा कितना शाइन मार रहा है, रोशनी में बैठा हूँ इसलिए ऐसा है, नहीं बता दूँ मैं तुम्हें, ऐसा लग रहा है जैसे मेकअप वेकअप करा हो मैंने ना। तो 17वीं मंजिल पे अपना ऑफिस है, तो 2027 में उसी ऑफिस में मिलेंगे। चार मंजिल बनाया अभी, तो 4थी मंजिल का लेंटर पड़ रहा था, मैंने आज देखा था, मैं गया था उस तरफ, व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि जाम बहुत था भाई, ट्रैफिक बहुत था इसलिए नहीं बना पाया, वरना दिखाता तुम्हें। आज फिर से जाना हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना प्रोग्रेस पे है कितना नहीं है ठीक है। दोस्तों आज वॉशरूम में देखो क्या हो गया, ऊपर से यहाँ से पानी गिरता है किसी के, हमारा ये वाला फ्लोर खाली हो गया, नीचे गिरा है, पूरे टूट के दज्जियां उड़ गई इसकी, सारे वॉशरूम की। ये देखो अभी हमने मेंटेनेंस पे कॉल करी है, आ रहे हो, ऊपर से खोखला है, तो खाली स्पेस है, ऐसे ही होता है। ये देखो ये अंदर से जिप्सम की है बता रहे हैं, गत्ता जैसा, ये तो यार बड़ा कमजोर निकला भाई, पानी गिर रहा है ऊपर, बाथरूम इस वॉशरूम में तो भाई पापा ही आते थे, उसको याद भी नहीं था, जैसी आज छुट्टी पे थे उन्होंने देखा तो ये क्या, देखो एक बार और देख लो ध्यान से ठीक है, मेंटेनेंस वाले तो कॉल कर दिया आ रहे हैं, ये तो बड़ो गड़बड़ है कि बाप पानी गिर रहा होता, ये तो सबू गिर सकते हैं पापा ऐसे, है ना। वैसे पानी केवल बाईलंग गिर रहा हुआ है, पानी केवल पल्लंग ही गिर रहा हुआ है, हैं वो तावी गिर गई है ना, देख लो भाई सब एक बार और, सेव कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये तो केवल छोटी छोटी टाइल है जिप्सम की, नीचे देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे गत्ता है, हालत देख रहे हो इस वॉशरूम की, ये गंदा रहता है थोड़ा ज्यादा ही, उधर वाला देखता हूँ कहूँ बाहू में काम करवा रहा हूँ, जी बाहू तो सही है, तुम लोग कॉल कर रहे हो ना, कॉल तो मैंने कर दिया है, बात है क्या, देखो ये तो ठीक है, चलो इधर पापा मोई लग रही है, जेऊ गिर सकते, देखो जमू पे तो गीलो गीलो सो एरो है, जेऊ गिर सकते, देखियो इतलंग जेऊ गीलो गीलो एरो है, जे देखो निकल ही गई वो लग रही है, इस बात कुछ रहने रहने मत करो बाबा, क्यों लगी ना जाए, अरे बात गिर रो हो, ये तो ऐसे ही खुल जाता है यार, है रहने बाबा, पलंग तार है, तार तार है, तार जाएगी ना वो कहूं, अरे तार है भैया, चलो तुझे लगाओ वापसी, यार एक तो पहले से खराब थी, एक पापा ने कर दी, अब ये लगेगी, चलो लग गई लग गई, चलो ठीक है भाई। बाबा ये तो ऊपर खोखला होता है, मतलब है ऊपर
चले जाओ, जाओ तो वॉशरूम की उड़ी बच्चियां। पापा की तबीयत खराब है आज, पापा थोड़े सही हुए तो वॉशरूम खराब हो गया। चलो गेट ऐसे ही लगा रखा मैंने, ठीक है। ऊपर जा रहे हैं पापा देखने की क्या हुआ है। लो जी भाई साहब यार ये तो बड़ा गंदा कांड हो गया भाई। अगर ये दो चार और गिर गए तो मामला पता नहीं। मेंटेनेंस देखो यहाँ से जिप्सम, ये देखो ये मैं लाइट बता, ये देखो ये सब गीला हुआ पड़ा है, देखो पानी गिर रहा है टप टप, देखो है देखो, ये देखो पूरा चुचा रहा है, दिख रहा है, दिख भी तो नहीं रहा यार, लाइट ज्यादा चाहिए ना, कैसा है। रुको मैं जूम आउट करता हूँ तब दिखेगा, थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा, पानी गिरते हुए नहीं दिख रहा है क्योंकि काफी स्लो मोशन में गिर रहा है। ये देखो वॉशरूम की छत ही गिर गई भाई आज तो, ये तो हद ही हो गई यार। तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मेंटेनेंस जब आएंगे तो मैं अगला ब्लॉग शूट करूंगा क्योंकि शायद काफी बड़ा हो जाएगा वरना ही। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।